इंसान की बेटी ने रेप से बचने का निकाला अचूक फॉर्मूला, साइंटिस्ट भी हैरान। वह फरुखाबाद में रहती है, उम्र है 19 साल, बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। साधारण किसान परिवार से है, लेकिन सोच और कारना में बहुत ऊंचे हैं। कुछ माह पहले उनके शहर में घटना घटित हुई, 7 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म हुआ, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने साधारण सी दिखने वाली सीनू कुमारी को झकझोर कर रख दिया। वह उदास रहने लगी। दिन और रात उसके मन में यही घूमता रहा कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि फिर कोई बच्ची या महिला इस तरह की दरिंदगी का कभी शिकार न हो। एक माह की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक ऐसी पैंटी बनाई जो रेप प्रूफ है। इसे जल्द ही पेटेंट भी मिलने वाला है। इसके बाद ये बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। बीएससी की पढ़ाई के दौरान सीनू ने विज्ञान के कई मॉडल्स बनाए थे। उसके मन में विचार कौन था कि अब क्यों न एक ऐसी पैंटी बनाई जाए जो रेप प्रूफ हो। बस फिर क्या था, सीनू अपनी धुन को हकीकत में उतारने की कवायद में जुट गई और एक माह की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी पैंटी बना डाली जो रेप प्रूफ है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से लैस है, इसमें स्मार्ट लॉक लगा है, यह लॉक पासवर्ड से खुलता है। पैंटी को पहनने वाली महिला कहाँ है इसकी जानकारी भी मिल सकती है। इसके लिए इसमें GPRS सिस्टम लगा है, इससे लोकेशन की सही जानकारी मिल सकती है। GPRS सिस्टम के अलावा घटना स्थल की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए भी रिकॉर्डर लगा हुआ है। सीनू के मुताबिक पैंटी को पहनने के बाद रेप से बचा जा सकता है। इस पैंटी में खास तरह के उपकरण लगे हैं, जैसे कि इसमें स्मार्ट लॉक लगा है जो पासवर्ड के बिना नहीं खुल सकता। ये पैंटी ब्लेड प्रूफ कपड़े की बनी है, इसे चाकू या किसी भी धारदार हथियार से काटा नहीं जा सकता। पैंटी को जलाया भी नहीं जा सकता। इसमें एक बटन लगा है जिसे दबाने पर 100 या 1090 नंबर पर ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा और GPRS सिस्टम की मदद से पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। पैंटी में रिकॉर्डर भी लगा है जिसमें घटना स्थल की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। रेप प्रूफ पैंटी को तैयार करने में सिर्फ 5,000 रुपए तक का खर्चा आया है। सीनू कहते हैं कि इस मॉडल में और सुधार के बाद ये और सस्ती हो सकती है। पेटेंट के बाद जब कंपनियां थोक में बनाकर इसे बाजार में उतारेंगी, तब इसकी कीमत आम पैंटी की तुलना में थोड़ी सी महंगी होगी। रेप प्रूफ पैंटी का पेटेंट कराने के लिए सीनू ने इलाहाबाद स्थित नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पास भेजा है। जल्द ही इसे पेटेंट राइट मिल सकता है। कई कंपनियों से बातचीत चल रही है, इसके बाद इसका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। सीनू रेल दुर्घटना से बचने में सहायक एक उपकरण पर भी काम कर रही है जो बढ़ रही रेल दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। सीनू के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण यह पैंटी और सस्ती हो जाएगी। उन्हें उम्मीद है सरकार से मदद मिलेगी। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री मेनका गांधी ने गरीब महिलाओं तक इस पैंटी को पहुँचाने में मदद का आश्वासन भी दिया है।